कमल यादव का आज शपथ ग्रहण है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 11 बजे लोकसभा में शपथ ग्रहण होगा। लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेंगी डिंपल यादव, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव भी साथ जाएंगे। डिंपल यादव का आज शपथ ग्रहण है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आज 11 बजे लोकसभा में शपथ ग्रहण होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, ऐतिहासिक जीत के बाद डिंपल यादव आज शपथ लेंगी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए मयूरी, थोड़ी देर में डिंपल यादव का जो है वो लोकसभा भवन दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है, और समारोह नहीं इसे कह सकते हैं, शपथ ग्रहण होगा। लोकसभा अध्यक्ष चुने जो है वो, अगर हम देख रहे हैं कि मैनपुरी उपचुनाव में ऐतिहासिक और रिकॉर्ड मतों से जीत के बाद आज वो शपथ लेंगी लोकसभा में, लोकसभा के सदस्य के रूप में। इसके पहले भी वो लोकसभा के सदस्य रह चुकी हैं, और जो नेताजी की जो सीट खाली हो चुकी थी उनके निधन के बाद से, उसके बाद वहां से वो चुनाव लड़ी और ऐतिहासिक मतों से जीती है, और नेताजी की विरासत को आगे ले जाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी पर जिम्मेदारी है, क्योंकि आगामी आम चुनाव 2024 बेहद नजदीक है, 2 साल का समय है, तो संसद में दो साल तक वो अपनी बात को, अपने पक्ष को, समाजवादी विचारधारा को बड़ी मजबूती से रखने का काम भी करेंगी। और जो नेताजी की जो लेगेसी है, जो विरासत को छोड़ के गए हैं, उसको आगे ले जाने का काम डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अखिलेश यादव जो है अब करने वाले हैं। विवेक, जैसा आपने अभी कहा कि नेताजी की विरासत को आगे ले जाना इनकी जिम्मेदारी है, तो डिंपल यादव के आगे ये कितनी बड़ी चुनौती है? काफी चैलेंजिंग होगा इनके लिए, क्योंकि इसके पहले वो कन्नौज से सांसद रह चुकी थी, दूसरी बार वो लोकसभा में और इस उपचुनाव में पहुंची है। 2 साल बाद फिर जो है इनके क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, तो इन 2 सालों में उनको यहाँ पे जो उनका क्षेत्र है मैनपुरी, यहाँ पे वोटरों को बांध के रखना होगा, लोगों को बांध के रखना होगा। ये जो उपचुनाव है वो सहानुभूति की लहर थी, नेताजी की सहानुभूति की लहर थी, लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा वो सहानुभूति की लहर नहीं होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बड़े बड़े विकास के दावा करेगी, नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये जो कुल सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की होती है, तो विकास के मुख्य रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ का चेहरा होगा, तो 2024 का आम चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। तो ये जो 2 साल है उनको जी तोड़ मेहनत करनी है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जी तोड़ मेहनत करनी है, यहाँ इस क्षेत्र में बने रहना है, और लोगों की समस्याएं जो है वो जो है उसका निपटारा करना होगा, जो प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, अगर गलत नीतियां हैं तो उसका पुरजोर विरोध भी करना होगा, और लोगों को बताना भी होगा कि ये नीतियां देश के हित में नहीं है। तो काफी चैलेंजिंग होने वाला है ये 2 साल डिंपल यादव और अखिलेश यादव के लिए। विवेक, अगर हम मैनपुरी की जनता की बात करें, क्योंकि नेताजी के बाद डिंपल यादव सीट को संभाल रही है, तो मैनपुरी की जनता को डिंपल यादव से कितनी उम्मीदें होंगी? देखिए, मैनपुरी की जनता को डिंपल यादव से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए उन्होंने डिंपल यादव को चुना भी है, रिकॉर्ड ऐतिहासिक मतों से वो जीती भी है। अगर उम्मीद नहीं होती तो इतने बड़े मार्जिन से वो जीत दर्ज करके लोकसभा में नहीं आती। सहानुभूति की लहर थी, बिल्कुल थी, ये माना जा सकता है समाजवादी पार्टी के प्रभु पुरोधा के रूप में, जो मुलायम सिंह यादव ने जो मैनपुरी क्षेत्र में काम किया है, जो विकास किया है, जो लगाव उनका था, उसका पूरा फायदा उस चुनाव में दिखा है। लेकिन अब सहानुभूति की लहर खत्म हो चुकी है, तो इन 2 साल में उनको पुरजोर जो है कोशिश करनी होगी। जनता की उम्मीदें हैं, इसलिए वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जीत के आई है, जनता ने काफी उम्मीदें भी लगाई है, क्योंकि इसके पहले मुलायम सिंह यादव को जनता ने चुना था, वो यहाँ से लगातार चुने जा चुके थे, इस चुनाव में उनको चुना है, तो काफी ज्यादा जो है, क्योंकि गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है, यहाँ से 1991 के बाद से समाजवादी पार्टी का ही अस्तित्व रहा है, तो इस तरीके से कहा जा सकता है जनता को काफी उम्मीदें हैं अपने नेता से, अपने प्रतिनिधि से, अपने सांसद से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आने वाला 2024 का चुनाव है, इन 2 सालों में कड़ी मशक्कत के बाद ही जो है वहाँ कुछ नया पॉलिंग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो 24 का आम चुनाव होगा वो सहानुभूति की लहर नहीं होगी, वो बदलाव और विकास की लहर होगी। मयूरी, विवेक, डिंपल यादव आज शपथ लेंगी, तो चाहे वो समाजवादी कार्यकर्ता हो या मैनपुरी की जनता हो, हम जीत के बाद की बात करें या फिर जो अभी शपथ लेंगी, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्साह तो बाई इलेक्शन के जब नतीजे आए थे उसी दिन से देखने को मिल गया था,
तीन उपचुनाव हुए थे जहाँ पे दो जगह जो है समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन जीत चुका था। एक जगह समाजवादी पार्टी रामपुर की अगर बात करें तो वहाँ भाजपा जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही थी शुरू से कि रामपुर में जो है वहाँ पे गलत हुआ है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, वहाँ के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये आरोप लगातार समाजवादी पार्टी लगाती रही है और ये भी कहती रही है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है उन्होंने मथुरा में भी, वो कल मथुरा पे थे अपनी पत्नी के साथ, तो वहां भी ये कहा था कि रामपुर में चुनाव गलत हुआ है, अगर सही तरीके से वहां चुनाव होता तो वो चुनाव भी उनकी झोली में होता। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है क्योंकि हम जान रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा का चुनाव वो हारी है, अच्छा लड़के भी हारी थी, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो काफी बड़ा था लेकिन सीटें 125 से 126 के आसपास ही रह गई थी और भाजपा ने पूर्व की सरकार बना ली थी। तो इसके 2017 के बाद से अब तक वो सत्ता से बाहर है प्रदेश से और ये जो उपचुनाव है इसमें बूस्टर का काम किया है समाजवादी पार्टी उनके कार्यकर्ताओं के लिए, आगामी चुनाव चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे वो देश का आम चुनाव हो 2024 का हो, इस बूस्टर का काम किया। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और आज जो उनकी मैनपुरी की जनता के जो प्रतिनिधि है डिंपल यादव वो आज शपथ ग्रहण करेंगी, वो शपथ लेंगी लोकसभा की सदस्य जो है वो ऑफिशियली वहां से चुन ली गई है और आज शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस जो है उत्साह भी देखने को मिल सकता है कार्यकर्ताओं में और पहले से इनका उत्साह बना हुआ है, आज उत्साह दुगना हो जाएगा। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।